नमस्कार साथियों, आज हम आयु पे आधारित क्वेश्चन करेंगे जो HSSC में पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। आयु के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई भी दो लोग लूँ चुन्नू और मुन्नू, अगर चुन्नू 20 साल का है और मुन्नू 15 साल का है, इनके बीच में आयु का जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 साल का। अगर मैं यही डिफरेंस 10 साल बाद में देखूं तो 10 साल बाद चुन्नू 30 साल का हो जाएगा और मुन्नू 25 साल का हो जाएगा। 10 साल बाद भी इनकी आयु में जो डिफरेंस है वो 5 रहेगा। तो मेरा यही कंसेप्ट है, डिफरेंस आयु के क्वेश्चन में डिफरेंस मेरा हमेशा सेम रहता है। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है मेरा, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। मतलब अगर मैं फादर और सन की एज का रेशो लूँ तो 5 और 1। अब वो कह रहा है 5 साल पहले, ये मेरा प्रेजेंट है, इससे 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात ये था और 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3 गुना होगी पुत्र की आयु से पिता की आयु। तो अब उनकी आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा। अब मैं जो मैंने कंसेप्ट बताया अब मैं वो देखूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ पिता और पुत्र की अनुपात में आयु का डिफरेंस है जो कि 4 का है, अगर मैं यहाँ देखता हूँ 3:1 2 का है, तो ये डिफरेंस मुझे सेम करना पड़ेगा साथियों। कैसे? मैं इस डिफरेंस को इस अनुपात से मल्टीप्लाई करूँगा और इस अनुपात के डिफरेंस को मैं इस अनुपात से मल्टीप्लाई करूँगा। कहने का मतलब 2 को मैं इन दोनों से और 4 को मैं इन दोनों से, तो अब मेरा कितना आ जाएगा? 5 × 2 = 10 और 2 = 2, 3 × 4 = 12 और 4 = 4। अब अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो इनका डिफरेंस भी 8 है और इनका डिफरेंस भी 8 है। अगर मैं इस साइड देखूं तो 2 साल का डिफरेंस, इस साइड देखूं तो 2 साल का डिफरेंस। अब मैं ये देखूंगा कि जो मेरी ये 10 यूनिट हैं, 10 रेशियो है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट को 12 यूनिट होने में कितनी यूनिट लगी हैं? अगर मैं यहाँ डिफरेंस देखूँ तो मेरी 2 यूनिट लगी हैं और एक्चुअल में देखूँ तो 5 साल पहले और 3 साल बाद, तो 5 साल पहले और 3 साल बाद ये डिफरेंस 8 साल का हो जाएगा और यहाँ से मेरी 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 4 वर्ष आ जाएगी। अब मुझे पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? मेरे पास 5 साल पहले का रेशियो है, 3 साल बाद का रेशियो है। अब 5 साल पहले का कितना है? 10 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो गुणा में 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। 40 एज तो फादर की आ गई। अगर मैं मुझे निकालनी है पुत्र की, अगर मैं पुत्र की निकालूं, ये 5 साल पहले की निकलेगी गुणा में 4, 4 × 4 = 8। ये 5 साल पहले की थी आयु। अब बतानी है वर्तमान आयु, वर्तमान 5 साल पहले अगर 8 था तो अब 5 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा? वो 13 वर्ष का। ये मेरा आंसर है, 13 वर्ष। अगर मैं इस रेशियो से ये क्वेश्चन करना चाहूँ तो ये है 3 साल बाद, मतलब प्रेजेंट आयु से भी 3 साल बाद का। यहाँ पे मेरी 4 यूनिट है, मेरी 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है, तो मैं गुणा में 4 करूँगा, 4 × 16 वर्ष आ जाएगा। ये आया है साथियों 3 वर्ष के बाद। अगर मैं इसमें से 3 घटा दूँ तो मेरी प्रेजेंट एज वही आ जाएगी जो ऊपर से आई थी, 13 वर्ष। तो देखिए हमने क्या किया है, पहले पिता और
पुत्र की आयु का 5 साल पहले रेशियो ले लिया, 5:1। फिर मैंने 3 साल बाद, प्रेजेंट से 3 साल बाद उनकी आयु का रेशियो था 3:1। अब मैंने इनका डिफरेंस देखा, इनका डिफरेंस है 4 और इनका डिफरेंस है 2। आयु के क्वेश्चनों में मुझे डिफरेंस सेम करना होता है, तभी जाके मेरे आयु के क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब मैंने यहाँ देखा, डिफरेंस सेम करने के लिए मैंने 2 को, 2 के डिफरेंस को ऊपर वाले रेशो के साथ मल्टीप्लाई किया और 4 को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरा आ गया 10, 2 और 12 और 4। अब मैंने देखा कि 10 से 12 होने में 2 यूनिट लग रही हैं और एक्चुअल में 5 और 3 8 वर्ष लग रहे हैं, और 2 यूनिट अगर 8 वर्ष के बराबर है तो 1 यूनिट मेरी 4 वर्ष के बराबर आ जाएगी। अब मुझे जिसकी भी पूछी है पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। 8 साल का बच्चा था वो, 5 साल पहले, 5 साल बाद वो 13 वर्ष का हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, फादर और सन, इनकी प्रेजेंट आयु दे रखी है ये 5 गुनी, ये 5 और ये 1, 3 वर्ष पूर्व ये प्रेजेंट एज है और इससे 3 वर्ष पहले पिता की आयु जो थी पुत्र की आयु की 8 गुनी है, तो फादर की 8 और उसकी 1। अगर मैं फादर और सन ऊपर लिख देता हूँ तो ठीक रहेगा। अब देखिए, मैं पहले इनका डिफरेंस देखूँगा, इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ 3 साल पहले के रेशियो में डिफरेंस देखा तो मुझे मिला 7 का डिफरेंस, अगर मैंने प्रेजेंट एज में डिफरेंस देखा तो मुझे मिला 4 का डिफरेंस। डिफरेंस सेम करने के लिए मैं एक दूसरे को डिफरेंस को एक दूसरे के रेशो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 8 से करता हूँ और फिर 4 से 1 से 4 8 32 और ये 4, अगर मैं यहाँ इसके डिफरेंस से 7 के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 7 और पिता की आ जाएगी 35। तो अब अगर मैं चेक करूँ तो 35 और 7 का डिफरेंस आ गया 18 और 32 और 4 का डिफरेंस आ गया 18। तो अब मेरा जो मेरे रेशियो हैं वो एकदम करेक्ट हैं। अगर मैं इस साइड देखता हूँ 32 और 5 का डिफरेंस कितना है, 32 को 5 होने में कितनी यूनिट लग रही हैं, 3 यूनिट लग रही हैं, और एक्चुअल में टाइम देखूँ तो मैं 3 साल का टाइम लगा है, 3 यूनिट 3 वर्ष के बराबर आ गई, इसका मतलब 1 यूनिट मेरी 1 वर्ष के बराबर आ जाएगी। हमसे पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु का रेशियो ये है दोस्तों, और वर्तमान आयु 35 यूनिट और 1 यूनिट मेरी 1 वर्ष के बराबर है, तो पिता की वर्तमान आयु का कितनी आ जाएगी, 35 वर्ष। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आयु के संबंधित। एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष था। मैं पहले एक बात बता देता हूँ, जिस भी क्वेश्चन में गुणनफल या योग दे रखा हो आयु से, तो वो क्वेश्चन ऑप्शन से करने ज़्यादा बेटर रहते हैं बजाय कि नॉर्मल मेथड से, बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड से अगर करेंगे तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके फैक्टर करने पड़ेंगे, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था, तो इसमें मैं ऑप्शन से हेल्प लूँगा। अब ऑप्शन से करने के लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि 10, 15, 9 वर्ष, 5 वर्ष ये क्या चीज़ है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इसलिए ये पुत्र की वर्तमान आयु दे रखी हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन लूँ 10 वर्ष, ये पुत्र की वर्तमान आयु है 10 वर्ष, और क्वेश्चन बोल रहा कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था, इसका मतलब 10 में मैं कितना जोड़ू कि 45 आ जाए, 35, ये होगी मेरे फादर की एज और ये होगी सन की एज, 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब मैं 5 इनमें से घटाऊंगा, 5 वर्ष पहले ये 5 का और ये 30 का। अगर इनकी आयु का गुणनफल 124 आता तो यही मेरा आंसर होगा। अगर मैं इनकी गुणा करता हूँ 5 और 30
तो मेरा आया 150। ये तो बहुत ज़्यादा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 और 10 से बड़ा ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, 9 और 5। अगर मैं साथियों ऑप्शन नंबर डी लेता हूँ, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले अगर मैंने 5 लिया तो 5 वर्ष पहले वो 0 का था, और अब उसके फादर की जितनी भी एज आएगी तो वो मेरी 0 आ जाएगी। बचा मेरा एक ऑप्शन 9, ये मेरा आंसर। अगर मैं इस ऑप्शन को आप वेरीफाई करवाता हूँ तो कैसे करेंगे इसको, बच्चे की एज है 9 वर्ष और उनकी आयु का योग है 45, का मतलब फादर की एज हो जाएगी 36। अब 5 साल पहले, 5 साल पहले साथियों ये हो जाएगा 4 वर्ष का और इसके फादर हो जाएंगे 31 साल के। अब अगर मैं इनकी आयु का गुणनफल देखूं, 4 गुणा 31 तो आ जाएगा मेरा 124। तो ये हैं आयु पर आधारित क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आशा करता हूँ आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।